नमस्कार। लोग पेट भरने के लिए स्विगी से खाना खरीदते हैं, लेकिन रिजवाना के पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने स्विगी का झोला खरीद लिया और यहीं से रिजवाना पूरी दुनिया में वायरल हो गई। तो ये रिजवाना का घर है, हम रिजवाना के घर में पहुंच गए हैं। रिजवाना अंदर आ जाओ। मैं ये रिजवाना की बेटी, ये तीनों रिजवाना के बच्चे हैं। आपकी तस्वीर जो पूरी दुनिया में छा गई, तो आपको क्या लगता है कि लोगों ने आपकी तस्वीर को इतना क्यों पसंद किया? हमको तो कभी इतना वो भी नहीं था कि हमारी तस्वीर मतलब पूरे उसमें छाएगी। और तो रिजवाना, आपकी कहानी लोग जानना चाहते हैं कि वो कंधे पर स्विगी का बैग, जी वो उसकी कहानी क्या है, वो कैसे आपके पास आया? आज रिजवाना की पहचान पूरी दुनिया में पहुंच गई है। बैग की कहानी ये थी कि असल में मेरे पास जो बैग था वो बैग जो है खराब हो चुका था और मुझे दूसरा बैग लेना था। मैं गई भी थी जैसे नखास में चोर बाजार लगती पुराने में, मैंने सोचा देखे सस्ता मिल जाएगा, तो वहाँ गए तो देखा सस्ता था तो, लेकिन बहुत कमज़ोर था। जो अच्छा था मजबूत था तो वो महंगा था। तो मैंने सोचा जब पैसे मेरे पास होंगे तो मैं वो बैग खरीद लूँगी। दुकान पे हम डिस्पोजर दे रहे थे तो वो एक जो है वो पुराने वो बेचता था क्या बोलते हैं स्वेटर वगैरह, तो वो इसी में भरा था। तो उसने बोला, वो ये भी बेचने का था तो उसको, तो उसने बोला आप मेरे पास एक बैग है आप ले लो जो है वो सही रहेगा आपके लिए, आप उसमें आपका सारा सामान भी आ जाएगा, वो हम आपको कम पैसों में दे भी देंगे। तो हमने वो यही स्विगी वाला बैग था, जी यही स्विगी वाला बैग उसके पास था। तो मैंने पूछा कितने का दोगे, तो उसने बोला 50 रुपये का। तो मैंने कहा ठीक है दे दो हमें, तो मैंने उसको 50 रुपये दिए, फिर उससे बैग लेके फिर हम अपना चले आए अपने। अच्छा जी, तो ये है रिजवाना का वो बैग और देखते हैं कि इसमें क्या है। रिजवाना आप खोलेंगे इस बैग को? जी। इसमें डिस्पोजल का सामान यानी क्रॉकरी का सामान जो रिजवाना लोगों तक पहुंचाती हैं, ये देखिए ये है प्लेट, ये है छोटे वाले ग्लासेस डिस्पोजल वाले, रबर पिन, अच्छा रबर बैंड्स हैं ये सब है ना, और ये पॉलिथीन्स हैं। अच्छा, जब आप ये लेकर चलती थी तो लोग आपको स्विगी वाला तो नहीं समझते थे कहीं? नहीं, कोई नहीं समझे तो ऐसे तो कोई नहीं, बस ये है सब कहें कि ये बैग कहाँ से मिल गया, ये बैग बढ़िया है। आप अकेली रहती हैं? पति 3 साल से जो है लापता है। अच्छा जी, क्या हो गया था आपके पति को? असल में वो ड्रिंक वगैरह करते थे तो उसी के चक्कर में वो काम रक्षा चलाते पैडल वाला रिक्शा, पैडल वाला रक्षा चलाते थे। तो रक्षा किसी का किराए का था, अब वो लेके गए तो वो चोरी हो गया, तो उसके बाद जो है वो आए नहीं दोबारा, लौट के छोड़ के चले गए थे। वैसे भी उनके पर कोई जिम्मेदारी हम लोग की इतनी कंफर्म नहीं थी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनकी शराब थी, उनको शराब ज़रूरी थी, बाकी बच्चे और बीबी की इतनी वो नहीं थी उनको चाह। जब पी के आते थे जैसे तो खाना थोड़ा लेट हो गया तो उस पर मतलब गाली वाली भी बकते थे, गाली वाली बक के जो हैं ये बर्तन फेंक के जैसे बाहर चले जाते थे, ये करते थे। कम से कम मेरी तस्वीर वायरल हुई और मुझे जो है बहुत खुशी हुई। अकेली गुमनाम रिजवाना को पूरी दुनिया ने जान लिया। जी, मैंने आपको बड़ी कहानी जो है हमारे मेरे मन के अंदर जो थी वो आज पूरी दुनिया में फैली है मेरी दुख भरी कहानी। कि आपकी कहानी तो बहुत लोगों ने जानी, लेकिन क्या कोई आपकी मदद के लिए सामने आया कि आप अकेली इतना सब कुछ कर रही हैं? इस छोटे से 10x10 का कमरा होगा मुझे लग रहा है, एक बहुत छोटा सा कमरा है, इसी कमरे में रिजवाना का एक चौकी में उन्होंने चूल्हा रखा है, बर्तन है और सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, छोटा सा बाथरूम है, बस इस एक ही कमरे में रिजवाना, उनकी उनके बच्चे, उनके 3 बच्चे और एक नातिन, कैसे आप रह रही हैं? कोई मदद के लिए आगे नहीं? मदद के लिए जो है यहाँ पे कोई तो ऐसे तो नहीं आया। अभी जब ये हुआ है तो एक जना जो है ये देखिए रजाई दे गई है। अच्छा। एक कोई और थोड़ा ये सामान दे गई है कि मदद के लिए कि थोड़ी आपको मदद मिले। अच्छा, बाकी कोई आपको कोई अधिकारी ऐसा कोई सरकार से मदद या कोई और मदद नहीं मिल पाई? नहीं बेटा, नहीं सरकार वरकार से कोई मदद नहीं मिली अभी। हाँ उठा लीजिए गोद में उठा लीजिए, हाँ मारेंगे तुम लोग, लड़ाई बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो कोई प्रशासन से या सरकार से कोई मदद अभी नहीं मिल पाई? नहीं, प्रशासन से कोई अभी वैसे मदद कुछ नहीं मिली। सरकार से क्या कहना चाहती है रिजवाना?
सरकार से तो हमारी यही है कि हमारा रहने का तो देखा ही आप लोगों ने कैसा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी रहने की है। मुझे लग रहा है कि अभी तक जितने लोगों ने रिजवाना की कहानी दिखाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि रिजवाना कितनी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। जहाँ से शुरू है ये कमरा, वहीं पर खत्म है। ये छोटे से कमरे में रिजवाना अपना जीवन बिता रही है। तो ये है रिजवाना की जिंदगी जो हम आपको दिखा रहे थे। आपने तस्वीर में तो देखा होगा, ये वो वायरल बुरखे वाली महिला है जो कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर, पीठ पर स्विगी का बैग लेकर के आपको चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। रिजवाना की तस्वीर लोगों तक पहुंची, आप लोगों ने उसे पसंद किया। अब रिजवाना की जिंदगी की जो कहानी है, जो एक दुख भरी कहानी है, वो आप लोगों के दिल तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये बताने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।